Good morning, students. Today, we are going to start a new chapter of moral science that is chapter 7, Being Cheerful. Okay, page number 26. So you take out your moral science book, chapter 7, page number 26. So, let's start the chapter. A bird named Tia lives with her two chicks, Ria and Sia, on a tree. They are always happy and cheerful. हर चिक्स माइल्स वेन दे वेकअप इन द मॉर्निंग एंड हीयर देअर मदर्स सॉन्ग दे इन्जॉय देम सेल्फ अलॉट दे डोंट नीड द कंपनी ऑफ अदर्स ओके सो शी इज़ टिया एंड दे बोतार हर चिल्ड्रंस रिया एंड सिया ठीक है ये टिया है और इसके बच्चे हैं ये दोनों जिसका नाम है रिया एंड सिया ठीक है और लोग कहाँ पर रहते हैं ट्री पर रहते हैं ओके okay? और वो लोग बहुत ही खुशी से रहते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल हमेशा खुश रहते हैं ठीक है हर चिक स्माइल वेन दे वेकअप इन द मॉर्निंग जब ये चिक्स उसके बच्चे जब सुबह उठते हैं तो बहुत खुशी से स्माइल करते हुए उठते हैं ठीक है सुबह उठते ही उन लोग अपनी मम्मी का गाना सुनते हैं ठीक है और वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और उन लोग इतना इन्जॉय करते हैं कि उन लोग को दूसरों की कंपनी की जरूरत ही नहीं है वही तीन काफ़ी है ठीक है जैक द क्रॉ इज़ हर नेबर ही इज़ वेरी अपसेट सो ही गोज़ टू टी फॉर एडवाइस oh tia tell me, what should I do? I am surrounded by problems. I always try to overcome my problems, but still I am always surrounded by problems in my life. How do you keep yourself so happy? Can you tell me some ways? So, Jack, किसका नाम है? एक रॉक का नाम है, ठीक है? वो उसका पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है टिया का? और वो बहुत ही उदास रहता है, इस always upset. Why? Because he is going through a problem. उसके साथ problems आती रहती है Problem life में problems आते रहते हैं ठीक है तो वो टिया के पास जाता है ये advice लेने के लिए कि टिया मुझे बताओ मैं क्या करूँ मेरे पूरे चारों तरफ problems ही problems हैं मैं कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ ठीक है पूछता है उससे <clears throat> मैं हमेशा प्रॉब्लम से घेरा हुआ होता हूँ मैं अपने आप को कैसे हैप्पी रखूँ तुम कुछ बता सकती हो मुझे ऐसा जैक टिया से पूछता है टिया स्माइल्ड एंड सेट व्हेन यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम ग्रीट इट चेयरफुली लुक एट इट विद अ स्माइल इट विल श्रिंक विद द पावर ऑफ योर स्माइल्स ओके प्रॉब्लम्स आर लाइक योर गेस्ट दे कम एंड गो जब जैक टिया से पूछता है तो टिया स्माइल करते हुए बोलती है तब भी जब तुम प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसे हंसी से मतलब हैप्पीली उसे वेलकम करो या वे, हैप्पीली उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो एक स्माइल के साथ ठीक है तुम एक स्माइल के साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचोगे तो वो प्रॉब्लम वो तुमको छोटी लगेगी ठीक है उस माइल से वो प्रॉब्लम तुमको बहुत छोटा सा लगेगा ठीक है और प्रॉब्लम तो आते रहते हैं हमारे सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या एक गेस्ट की तरह है, एक मेहमान की तरह सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं फिर चले जाता है फिर आता है फिर चले जाता है जैसे मेहमान आते हैं ठीक है मेहमान आते हैं फिर चले जाते हैं वैसे ही प्रॉब्लम्स भी सबके ज़िंदगी में सबके लाइफ में आता है फिर चले जाता है ओके दे विल कम एंड गो वी शुड नॉट लूज होप हमें अपनी उम्मीद या आशा नहीं खोना चाहिए वी शुड प्रे टू गॉड टू गिव अ स्ट्रेंथ टू फेस द सिचुएशन बोल्डली ठीक है वो बोलती है हमें भगवान से गॉड से प्रेयर करना चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी सिचुएशन को आसानी से या बोल्डली मतलब अच्छे से उसको फेस कर पाए ठीक है जैक से थैंक यू टिया यू मेड एवरीथिंग सो सिंपल नाउ आई विल फेस द प्रॉब्लम बोल्डली द नेक्स्ट मॉर्निंग जैक वॉज सीन सिंगिंग हैप्पीली जस्ट लाइक टिया ठीक है जैक बोलता है टिया को थैंक यू तुमने मेरा प्रॉब्लम बहुत ही आसान कर दिया अब मैं भी कोई भी प्रॉब्लम को एकदम बोल्डली मतलब एकदम खड़े होके मैं प्रॉब्लम को हंसी से और उसको हराऊंगा इस टाइप का ठीक है द नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन क्या होता है जैक भी टिया की तरह गाना गाता है ठीक है खुशी से गाना गाता है सो दिस वॉज अ चैप्टर वैल्यूबल थाट वी शुड फेस द प्रॉब्लम बोर्डली वी शुड नेवर लूज होप मतलब है हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं उसे हमें धैर्यपूर्वक लड़ना चाहिए ठीक है हमें अपनी आशा उम्मीद नहीं खोनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ गया है तो हम कैसे जिएंगे कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रॉब्लम आता है जाता है जो भी प्रॉब्लम आएगा ज़िंदगी में उसे हमें बोल्डली खड़े होके ठीक ठीक है धैर्यपूर्वक खड़े होके हमें उसे हराना है ओके सो दिस वॉज अ चैप्टर थैंक यू